नमस्कार, एटीवी न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। घटना समस्तीपुर जिला के घटौ थाना क्षेत्र की अंतर्गत ग्राम जगदीशपुर पोस्ट मूसापुर वार्ड संख्या 8 पुराने भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट, जिसमें 3 लोग घायल, एक की स्थिति नाजुक, जिसे सदर अस्पताल समस्तीपुर द्वारा पटना PMCH रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सोनेलाल महतो उम्र लगभग 65 वर्ष, अनीता देवी उम्र लगभग 60 वर्ष, चंदन कुमार उम्र लगभग 25 वर्ष को अपने ही पटीदार के द्वारा पुराने भूमि विवाद में मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया, जिसमें सोनेलाल महतो का स्थित नाजुक बताया गया, जिसे समस्तीपुर सदर अस्पताल द्वारा रेफर कर PMCH भेज दिया गया। पीड़ित परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, मारपीट की आशंका को जताते हुए पिछले एक सप्ताह पहले स्थानीय थाना को आवेदन दिया गया था, लेकिन इस मामले में स्थानीय थाना की नज़रअंदाज की वजह से यह घटना घटी, जिसमें उनके ही भाई जगदीश महतो, भोला महतो, आशा देवी एवं उनके बच्चों ने मिलकर इन पूरे परिवार पर लाठी डंडा खाती ग्रासा पथारिया से हमला कर दिया, जिसमें 3 लोग पूरी तरह जख्मी हो गए। सोनेलाल महतो की स्थिति नाजुक बताई जा रही है, जिसे सदर अस्पताल रेफर किया गया है। समस्तीपुर से राकेश कुमार की रिपोर्ट। हम आज सवेरे तारीख था, तारीख पर हम और पापा गए और वहां से आए 3 बजे के लगभग में आए, तब गाड़ी खड़ा कर ही रहे थे कि लाठी से मारना शुरू किया। पापा भाग गए पीछे, तो पीछे ईंटे पर गिर गए, तो उनको वहीं पर मार के सर उड़ा दिया पूरा, सर फटा हुआ है, हाँ। दोनों गोर टूटा हुआ है, गोर काट भी दिया, सब चीज काटा हुआ है, पूरा अलग छुड़ा दिया, कपड़ा दोनों टूट गया, गोर टूट गया, कपार भी फाड़ दिया। हम बोला कि पानी लाइए, आलू खेत में आलू खुनते थे, चमेन से 5 गो है उजल के लेकर अपना आलू की नखुन आया था, वहाँ से आया तो देखा तो पानी दीजिए कि हमारा पर गणेशा चला दिया कि हम चमेन से उठा दिया, तो हमको गोर काट कर छोड़ दिया। सोनेलाल महतो को सफाई लहास गिरा दिया, हम आलोक में सरा रंजन में अपना हम डॉक्टर साहब को गिरा दिया।